हेलो गाइस, अभी तक की एमसीयू की मूवीज को देखा है तो उसमें एंटमैन एंड द वास्प मूवी एक ऐसी मूवी है जो मूवी में हुए इवेंट के अकॉर्डिंग इतनी इमर्सिव नहीं है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के बाद हम फैंस की एमसीयू की मूवीज से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से अगर आप इस मूवी को इन्फिनिटी वॉर के लेवल और इवेंट से कंपेयर करके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मूवी फीकी ही लगेगी। ओके, ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के हाई स्टैंडर्ड के बाद मार्वल की ऑसम मूवीज का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाई या नहीं भी कर पाई, तो किस तरह से ये मूवी एक नॉर्मल मूवी होते हुए भी एमसीयू का फ्यूचर का सेटअप कर रही है, यही सब आज हम इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू में डिस्कस करेंगे। स्पॉइलर फ्री रिव्यू यानी कि यहाँ आपको स्पॉइलर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर बिना स्पॉइलर की चिंता करें स्टार्ट करते हैं। गाइस, मार्वल का फेज 3 बस खत्म ही होने वाला है, जिसमें एमसीयू की सभी मूवीज की स्टोरी पूरी तरह से ओवर हो जाएंगी। इन तीनों फेजेस में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स 1, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो एमसीयू का फ्यूचर सेटअप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। एमसीयू का फ्यूचर सेटअप करने से मतलब ये है कि इन मूवीज का पिछली एमसीयू की मूवीज के इवेंट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन एमसीयू की अभी तक की स्टोरीज के फिनाले यानी कि एवेंजर्स 4 मूवी में किस मूवी का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्लियरली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंटमैन एंड द वास्प मूवी ही होगी। एंटमैन एंड द वास्प एमसीयू की एक ऐसी मूवी है जो जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रियलिटी से निकालने के छोटे से मिशन पर ही बेस है। तो एक नॉर्मल ऑडियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं से भी ये मूवी इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फैंस को बस एक छोटा सा मिशन देखने को मिलने वाला है। भाई गाइस, अगर इससे हटकर ये देखा जाए कि ये मूवी एवेंजर्स 4 और फेज 4 के लिए किस तरह से सेटअप कर सकती है, तो भाई ये मूवी एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवी में से एक है। ये मूवी पूरी तरह से क्वांटम रियलम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने और फैंस को ये टीज करने पर बेस है कि आगे इसी क्वांटम रियलम का यूज एमसीयू में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मोस्टली ये मूवी इवेंट के अकॉर्डिंग तो इतनी बड़ी मूवी नहीं है, लेकिन अगर आप एमसीयू को डीपली फॉलो करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इवेंट और स्टोरी वाइज देखा जाए तो गाइस इसकी स्टोरी परफेक्ट है। हालांकि स्टोरी में इतने ट्विस्ट और टर्न तो नहीं है, फिर भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस मूवी को रिपीट में देखेंगे तो आप जरूर कुछ नया डिस्कवर जरूर करेंगे, जो हमें बहुत ही कमी एमसीयू की मूवीज में देखने को मिलता है। सो गाइस, यहाँ मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि इस मूवी को एमसीयू की पिछली मूवी से कंपेयर करने की कहीं जरूरत नहीं है। इवेंट और स्टोरी वाइज ये मूवी पिछली एमसीयू की मूवीज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी है। अब स्टोरी और मूवी के इवेंट पर इतना डीपली बात करने के बाद बात करते हैं मूवी के स्क्रीन प्ले की, जो मेरे अकॉर्डिंग मूवी की रियल जान होता है। मूवी का अच्छा स्क्रीन प्ले इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये मूवी की अच्छी स्टोरी को भी स्पॉइल कर सकता है, वहीं एक नॉर्मल सी स्टोरी को भी फैंस के लिए फनी एंड इंटरेस्टिंग बना सकता है। सच बताऊँ तो यही इस मूवी के साथ भी है। मूवी की स्टोरी तो बहुत ही सिंपल है, ना ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न है, फिर भी एज ए नॉर्मल ऑडियंस और एज ए बिग मार्वल फैन ये मूवी आपको कहीं से भी बोर नहीं करती। ये मूवी बस 2 hours लॉन्ग है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि जिससे इस मूवी की स्टोरी इतनी जल्दी आगे बढ़ती है कि ऑडियंस का फोकस मूवी से कहीं भी नहीं हटता है। मूवी में हर छोटे छोटे इवेंट बहुत ही जल्दी प्लेस होते हैं, ओवर होते हैं और फिर स्टार्ट होते हैं, और फिर इन दी एंड मूवी का क्लाइमैक्स भी आ जाता है, जिससे ऑडियंस को रियलाइज नहीं होता कि ये मूवी इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। क्लियरली इस मूवी के स्क्रीन प्ले को बहुत ही स्मार्टली और फनी वे में लिखा गया है। एमसीयू की मूवीज में कॉमेडी तो होती ही है, जो इस मूवी में भी है। स्कॉट लुईस और उसकी टीम इस मूवी में बहुत से फनी मोमेंट्स भी लेकर आती है, जो इस मूवी के प्लस पॉइंट में से एक है। वहीं अगर इसके एक्शन की बात की जाए तो एंटमैन एंड द वास्प के क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस जैसे एक्शन आपको अभी तक एमसीयू की किसी भी मूवीज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी स्मार्टली लिखा गया है, जो इस मूवी को एक इंटरेस्टिंग मूवी बनाता है। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की। तो गाइस, एंटमैन एंड द वास्प मूवी में इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, जिसमें एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग को इस मूवी में एज ए सुपर हीरो कम बट एज ए फादर ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, जो स्कॉट लैंग के कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्कॉट लैंग का कैरेक्टर इस मूवी में परफेक्टली लिखा गया है। वहीं वास्प तो इस मूवी की मेन लीड सुपर हीरो है। इस मूवी में उसने एंटमैन से ज़्यादा एक्शन करे हैं और जो करे हैं वो बहुत ही ऑसम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें वो एज होप कहीं भी पीछे है। उसकी एक इमोशनल साइड भी इस मूवी में दिखाई गई है, जिस वजह से वो परफेक्टली इस मूवी में फिट होती है और यहीं उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। वहीं इसके अलावा हैंक पिंग, बिल फॉस्टर, लुईस और उसके टीम मेंबर्स सबके रोल इस मूवी में काफ़ी सही हैं, बट मेनली अगर इस मूवी के विलन घोष पर फोकस किया जाए तो उसका कैरेक्टर भी मोस्टली सही लिखा गया है।
आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि मार्वल अब अपने विलन्स को लेकर ज्यादा सीरियस होता जा रहा है और अब उनका मेन फोकस है एमसीयू के विलन्स को अच्छी प्रॉपर बैक स्टोरी देना, जिससे फैंस इमोशनली विलन से भी कनेक्ट हो पाए। हेला, लोकी, थैनोस, किलोमोंगर इसके ग्रेट एग्जांपल हैं। सो अब इसी लिस्ट में घोष भी आ चुकी है। उसकी बैक स्टोरी इस मूवी में ऐसी दी गई है कि एज ए फैन आप नोटिस कर सकते हैं कि जो मूवी में वो कर रही है वो सब जायज है और वो सही कर रही है। फिर भी क्लाइमैक्स में अगर उसके कैरेक्टर के आर्क को थोड़ा सही से एंड किया जाता तो घोष्ट एज ए विलन हम फैंस पर और अच्छा इम्पैक्ट दे पाती। फिर भी इतनी छोटी सी मूवी में, इतने कम स्क्रीन टाइम में वो ऐसे कैरेक्टर बहुत ही अच्छे वे में इस मूवी में डेवलप हुई है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इस मूवी के विलन घोष ने काफ़ी इम्प्रेस करा है। सो ओवरऑल इस रिव्यू को कंक्लूजन दिया जाए तो ये मूवी एमसीयू की एक नॉर्मल मूवी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पिछली एमसीयू की मूवीज में देखा ना हो। सब एमसीयू की मूवीज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एवरेज टू गुड है, पर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये मूवी नॉर्मल होते हुए भी एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मूवी में उन प्लॉट को टीज किया गया है जो एवेंजर्स 4 में और एमसीयू के फेस 4 में यूज होंगे। सो ये मूवी अभी तो एक नॉर्मल मूवी है, बट आने वाले टाइम में इसी मूवी को एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी और गेम चेंजर मूवी माना जाएगा। यही इस मूवी की स्पेशल बात है जो इस मूवी को एमसीयू की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में जरूर लेकर आती है। अब गाइस आपको एंटमैन एंड द वास्प मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड बहुत सी वीडियो लाते रहते हैं। गाइस अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एंटमैन एंड द वास्प मूवी किस तरह से एमसीयू का फ्यूचर सेटअप कर सकती है तो आप याली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।